एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, कैसे हो आप लोग? होप्सो कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आप देख पा रहे हो मेरा बैकग्राउंड चेंज है। तो यस, अभी मैं अपने मायके में हूँ एंड मैं पहले पुणे से ससुराल आई, ससुराल से अभी मायके में हूँ। ससुराल का किचन तो आपने मेरे वीडियोज में देखा होगा, तो मेरे ससुराल का किचन है, अभी मैं मायके में हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कटहल आलू का सब्जी। तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा किसको किसको कटहल पसंद है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये देखो। ये मैं प्याज एंड आलू को एक साथ फ्राई कर रही हूँ। अभी मेरे यहाँ पे तो मतलब मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मम्मी ने जो एक आंटी से कहा है, मतलब जो काम करती है हमारे यहाँ हेल्पिंग हैंड, कि खाना बना देना, वो डेली बना रही थी। आज मैंने सोचा चलो अपने से मैं कटहल आलू का सब्जी बनाऊँ, मस्त थोड़ा स्पाइसी सा, तो वही मैं अभी बस बना रही हूँ। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मैंने आज तक मेरा मतलब ब्लॉग नहीं आया है मायके का, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करी हूँ। मतलब मैं यहाँ नहीं आई हूँ मायके में ससुराल, तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो बने रहो। ये मैं गाइस लहसुन कूट रही हूँ, थोड़ा लहसुन दे देती हूँ। अभी एक्चुअली आज रामनवमी है ना, तो नवरात्र चल रहा था, तो मेरे यहाँ पे मम्मी लोग करती है मायके में, तो इसीलिए लहसुन एंड प्याज नहीं चल रहा था। तो बस आज मैं डाल रही हूँ खाने में। दादी इधर आओ, देखो गाइस, ये मेरी दादी है और यही दादी के लिए आज सभी चलो कटहल बना लेते हैं, है ना दादी? बोलो सभी को हेलो हेलो बोलो हेलो हेलो हेलो। चलो ठीक है। और ये मेरा बेटा को ये देख लो, ये मेरा बेटा नहीं दी है, अभी देंगे, फ्राई कर रहे हैं, जाओ दादी। तो मेरी दादी के लिए जल्दी से लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या, बस मैं बना रही हूँ, आप लोग देखो। तो गाइस, अभी ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें मसाले डाल दूँ, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मिर्ची, बस। मैं ज़्यादा गाइस मसाले यूज नहीं करती हूँ एंड नमक डाल दूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और गाइस ये देखो, ये मेरा कटहल ऑलरेडी फ्राइड है, ये देख सकते हो आप, ऑलरेडी फ्राइड है। मम्मी ने मतलब ये काट के, काटना मुझे नहीं आता, तो मम्मी ने काट के और फ्राई कर दिया था, कि जिन मतलब जब तुमको प्याज वैसे बनाना होगा नवमी के दिन तुम बना लेना अगर बनाना है तो इसको तेल में ऐसे, मतलब इसका भी प्रोसीजर बहुत लंबा होता है ना, इसको कट करके बॉईल करके उसके बाद फ्राई करना होता है, तो उसे मम्मी ने कर दिया, मुझे मतलब मेहनत ना लगे। मम्मी तो मम्मी होती है। और गाइस हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी और जय श्री राम।
तो गाइस ये कटहल ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं अपना मतलब मम्मी का ही वो क्या बोलते हैं सीक्रेट मसाला ये डाल रही हूँ इसमें। इससे ना बहुत झटपट कटहल मतलब कोई भी सब्जी बन जाता है जो आप कम तेल मसाला में बनाना चाहो वो। अभी मैं इसको कुकर में प्रेस कर दूंगी, बस एक सीटी आएगा बंद कर दूंगी। तो कटहल पूरा मतलब थोड़ा मैंने कम बहुत कम तेल मसाले यूज किए हैं तो मतलब थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब ग्रेवी पूरा थोड़ा हार्ड थोड़ा मतलब डेंस ऐसा दिखेगा। तो गाइस अभी हम लोग हॉल में बैठे हैं, मेरा ऑलमोस्ट कुछ हो गया सब्जी, अब हो जाएगा तो नाश्ता कर लें। और दादी, ये मेरी दादी है, कुछ बोलना चाहती हो मेरे ब्लॉग में लोगों को? दादी भी बैठी है, कटहल का सब्जी करेगी नाश्ता, कटहल का सब्जी रोटी। और नैनोमीटर नयन, खाना खाया आपने? बता दो सभी को, खा लिया ऐसे बता दो। तो गाइस अभी हो गया है, देखती हूँ मैं प्रेस खोल के कैसा बना। दिखाओ आप लोगों को, ये देखो मैं इसको थोड़ा मिला देती हूँ फिर आप लोगों से दिखाती हूँ। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस कितना ज़्यादा स्पाइसी, मतलब मैंने बनाया नहीं है पर कितना अच्छा दिख रहा है, देख रहे हो? देखो मस्त दिख रहा है ना। तो गाइस बस अब खाना निकाल लिया, अब जा रहे खाना। दादी तुमको कितना रोटी दे? कितना रोटी दे? तीन दे दे। ठीक है बचा।
पकवान। देखा उन्होंने सन्नी मकोल सन्नी मकोल नमक क्यों कम है? हमको मुंह से ठीक ठीक लगता है। ये देखो गाइस ये बहुत ही टेस्टी स्पाइसी से मिर्ची का है। ये मैंने पूरा फिनिश कर डाला बहुत सही था। ये दादी का खाना, दादी को नमक एक्स्ट्रा लगता है एंड दादी भी खा रही है। दादी खा के बताओ सब्जी कैसा लगा? खा के बताओ। लो ना लो जाओ, पानी रख के जाना। अच्छा लगा? और ये मेरा खाना और हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। मस्त है, सब्जी बहुत अच्छा बना। कम तेल मसाला में अच्छा नहीं बना रहा थे? कुछ भी नहीं डाले, बस मिक्स वो जो मम्मी रखती है वो डाले। हाँ प्याज लहसुन तो गाइस हम लोगों का नाश्ता हो गया है। अभी दादी को चाय पीने का रखते हैं नाश्ता के बाद, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ एंड यहाँ 90 मैंने चावल रखा है। एंड आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ मतलब एंड करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।